नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। एक तरफ उत्तराखंड का सियासी दंगल, जहां मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनकी ही पार्टी के बागी विधायक आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के संकटों के बादल अपनी राजनीति का पानी बरसाने दिल्ली तक आ पहुंचे हैं। मुश्किलों में घिरी रावत सरकार को 28 मार्च तक अपना बहुमत साबित करना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री रावत खुद को सत्ता में जमाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच जारी है उत्तराखंड में जंग। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से जुड़ी हुई, और उत्तराखंड में सरकार के बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायकों ने और कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में ये विधायक राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के हालात पर राष्ट्रपति से बातचीत की। बीजेपी ने बहुमत होने का दावा भी किया है। बीजेपी ने दावा किया है कि उत्तराखंड में उसके पास सरकार बनाने के लिए बहुमत है और हरीश रावत सरकार अल्पमत में है। और बीजेपी ने विश्वास मत के लिए मौका दिए जाने की मांग भी राष्ट्रपति से की है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों ने, उत्तराखंड के बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की और उनका नेतृत्व बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया। और राष्ट्रपति के साथ उत्तराखंड के हालातों पर चर्चा हुई और बीजेपी ने और इस वक्त की और बड़ी खबर भी आपको दिखाते हैं कि बीजेपी नेताओं ने मार्च निकाला। इससे पहले राष्ट्रपति से मुलाकात करने से पहले विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। इस मार्च में उत्तराखंड के बीजेपी विधायक कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ इस मार्च में शामिल हुए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के विधायकों ने, बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की है, और मुलाकात से पहले इन बीजेपी नेताओं ने और हालांकि आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने वालों में कांग्रेस के नेता शामिल थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो मार्च निकाला गया, इस मार्च में कांग्रेस के बागी विधायक शामिल नहीं हो पाए। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावा किया गया था कि इस मार्च में कांग्रेस के बागी विधायक भी शामिल होंगे। और विनम्र व सहज व्यक्तित्व के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के तेवर इन दिनों बेहद कड़े हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को विश्वास में लेकर बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार व संगठन दोनों स्तर पर शुरू कर दी है। एक ओर जहां वे सरकार में शामिल बागियों पर एक के बाद एक कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं पार्टी के माध्यम से भी वे उनके खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के कांग्रेस के ताकतवर नेता व पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा एवं अनिल गुप्ता को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। उत्तराखंड का सियासी बवाल दिल्ली तक पहुंच चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी चालें फूंक फूंक कर चल रही हैं। लेकिन बागियों ने जहां हरीश रावत की नींद उड़ा रखी है, तो वहीं बीजेपी को रावत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बागियों का ही सहारा है। रावत अपने बागी विधायकों को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राज्यपाल के पॉल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को 28 मार्च तक अपना बहुमत साबित करने का वक्त दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने ये किसी चुनौती से कम नहीं है कि वो बागियों को फिर से कैसे अपने पाले में लाएं। हालांकि कांग्रेस की उम्मीदें टूटी नहीं हैं, क्योंकि बागी विधायक मुख्यमंत्री से बगावत कर पशोपेश में हैं कि उनका कदम सही है या नहीं।
28 मार्च तक बागी विधायक वापस आएंगे या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन और विधायक बागी ना हो जाएं, इसलिए हरीश रावत अपने बाकी बचे विधायकों को जिम कॉर्बेट की सैर करा रहे हैं। इस बीच संकेत ये भी है कि उत्तराखंड में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पशुपेश में है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी। ऐसे में अगर हरीश रावत की जगह कांग्रेस कोई नया चेहरा सामने लाती है तो उसे संकट से निजात मिल सकती है। राज्य में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। राज्यपाल के पॉल ने 28 तारीख को सीएम हरीश रावत को बहुमत साबित करने का वक्त दिया है, लेकिन उससे पहले 26 मार्च तक बागी विधायकों को स्पीकर के नोटिस का जवाब देना है, जिसमें पूछा गया है कि क्यों नहीं दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। उत्तराखंड में चल रही उठापटक का दौर यहीं खत्म नहीं हो जाता है। कांग्रेस के बागी विधायकों के घर के बाहर विधानसभा स्पीकर का नोटिस लगा दिया गया है। कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह से पार्टी के संविधान का उल्लंघन करने पर शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच रावत सरकार से बगावत करने वाले और मंत्रिमंडल से बर्खास्त कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के दफ्तर में ताला लगा दिया गया है। साफ है कि पार्टी से बगावत करने के बदले के तौर पर इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बागी हरक सिंह रावत को निष्कासित करने का फैसला लिया गया था। हरक सिंह रावत के बाद अब पार्टी के दूसरे बागी नेताओं पर भी लगाम लगाने के लिए सारे तिकड़म आजमाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा को पार्टी से निकाल दिया गया है। इस बीच सूत्रों ने खबर दी है कि शनिवार रात को कांग्रेस के 9 बागी विधायक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिल चुके हैं। इधर दिल्ली में मौजूद हरक सिंह ने मुख्यमंत्री हरीश रावत पर संगीन आरोप लगाए हैं। हरक सिंह ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आवास दलालों का अड्डा बन गया है। हरक सिंह रावत का आरोप है कि कांग्रेस हाईकमान से शिकायत के बावजूद हरीश रावत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। राजनीतिक संकट में घिरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या की होली खेलने का आरोप लगा दिया है। हरीश रावत ने बीजेपी पर 5-5 करोड़ का लालच देकर विधायकों को खरीदने का भी आरोप लगाया है। राज्य में पार्टी की सरकार के बीच मझधार में फंसा देख कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर सीधा हमला किया है। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे की ताकत का गलत इस्तेमाल करना बीजेपी का नया हथकंडा है। उनके इस आरोप का भी बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस के अंदर जारी आपसी घमासान ही कांग्रेस में सरकार के खतरे की बड़ी वजह है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में सियासी संकट गुरुवार से शुरू हुआ। बजट पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 9 बागी विधायक सरकार के ही खिलाफ खड़े हो गए। बागी विधायकों की अगुवाई विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत ने अपने हाथों में ले रखी है। फिलहाल सभी 9 बागी विधायक दिल्ली के पास गुड़गांव में मौजूद हैं। अब देखना है कि 28 मार्च को हरीश रावत सरकार अपना बहुमत साबित कर पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज। और इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले आइए आपको बताते हैं कि इस वक्त के बड़े सवाल क्या है। क्या उत्तराखंड में अपनी कुर्सी बचा पाएंगे हरीश रावत, और क्या उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाने को तैयार है, और क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के आसार हैं। जी हाँ, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि हरीश रावत सरकार पर यह आरोप भी है कि वो अल्पमत में है, और राज्यपाल के पॉल ने उन्हें 28 मार्च तक का समय भी दिया है चर्चा के लिए। और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता मदन रुखड़ और कांग्रेस नेता अनुज अत्रे। अनुज जी, क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार बच पाएगी? निश्चित तौर पे बच जाएगी। सरकार कहीं गई कहाँ है जो सरकार का बचने का आसार है। ठीक है, अभी एक कुछ घटनाक्रम ऐसा घट गया है भारतीय जनता पार्टी के ये केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, क्योंकि इनको अब दिख गया है कि अब चुनी हुई सरकार के माध्यम से तो ये अब राज्यों में आ नहीं सकते, सत्ता प्राप्त कर नहीं सकते। तो ये पीछे के हथकंडे अपना रहे हैं और एक घिनौनी हरकत कर रहे हैं, एक ओछी राजनीति पर उतारा है, जो कि एक अपने आप में नई प्रथा शुरू करने जा रहे हैं ये। और जिस प्रकार से राज्य में स्थिर सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को एक अस्थिरता के माहौल में ले आए हैं,
और किस प्रकार से सब लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है किस प्रकार से धन और बल का और जो है पद का लालच का जो एक लोभ दिया जा रहा है, प्रलोभन दिए जा रहे हैं जी। केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं इनका, भारतीय जनता पार्टी के इनके बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, किस प्रकार से जो है एक जनता ने जिस सरकार के ऊपर जिस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया और इनको जो है वहां नकारा था जी, और अभी एक साल बाद पुनः चुनाव होने जा रहे हैं और इनको दिख रहा है कि किस प्रकार से लोग ये एक हरीश रावत जी कितने उस समय वहां पर उत्तराखंड में लोकप्रिय हुए हैं, उनका विकास कार्य पूरी जनता देख रही है और उनका जनता सराह रही है और दोबारा से उनका एक दोबारा से सरकार अगले साल जब भी चुनाव होंगे एक कांग्रेस का माहौल दोबारा से बन चुका है और उससे भयभीत और घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, एक इस तरह की घटिया हटकंडे अपना रहे हैं जिसका इनको आने वाले समय में खामियाजा उठाना पड़ेगा। उत्तराखंड में तो सरकार बना नहीं पाएंगे और प्रदेशों में भी और जगह भी। चलिए मदन जी से जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है मदन जी, क्या लगता है आपको जो आरोप लगा रहे हैं अनुज जी के वहां पर बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है? देखिए वीरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, 60 साल के लगभग इन्होंने राज किया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी रही है परिवारवाद। इसके अंदर बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं लेकिन शीर्ष नेतृत्व के कारण जो वो लोग आगे नहीं पढ़ पाए हैं, इस परिवार के आगे वे आगे जो बोल नहीं पाए हैं। इसी का एक कारण है कि आज जो है ये डूबता हुआ जहाज हो गई है कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी देश में और दुनिया में बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसी का ये निर्णय आ रहा है, जिसका जो परिणाम आ रहे हैं इनमें आपसी घमासान जो हो रही है ये उसी का कारण है। इसमें हरक सिंह रावत जी, बीजेपी काम कर रही है, हरक सिंह जो रावत जी अच्छा काम बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, देश की जनता देख रही है आपको भी सुन रहे हैं कि किस प्रकार से आप इसको अच्छा काम बता रहे हैं। हरक सिंह नहीं, हरक सिंह रावत जो इनके कांग्रेस के जी, नेता है, जी, नेता है, दायक है, वो आवाज उठा रहे हैं कि इसके अंदर जो है दलालों का अड्डा बन गया, मुख्यमंत्री कार्यालय बन गया है, जो है विजय बहुगुणा भी इसी तरीके से नहीं कह रहे हैं। एक साल बाद तो और अच्छे परिणाम आने वाले हैं, अभी आप बहुत अच्छे बहुमत से नहीं आए हुए थे, अभी आपकी आपसी घमासान का निर्णय है जिसके वजह से जनता परेशान हो रही है। जी जी, तो फिलहाल जनता परेशान है और कई तरीके के आरोप कांग्रेस नेतृत्व जो कि उत्तराखंड का है उस पर लगाए जा रहे हैं, सीएम हरीश रावत पर लगाए जा रहे हैं। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए ए टू जेड न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि उत्तराखंड से ही जुड़ी हुई है और कांग्रेस नेताओं ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की है और हालातों की तस्वीर राष्ट्रपति के सामने रखी है। उत्तराखंड के हालात पर राष्ट्रपति के साथ कांग्रेस नेताओं ने बातचीत की है, पहले बीजेपी के नेता मिले राष्ट्रपति से और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, और इसके बाद कांग्रेस का दावा है कि 28 मार्च को या उससे पहले हरीश रावत अपना बहुमत साबित कर देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने भी उत्तराखंड के मसले को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उत्तराखंड के हालातों पर बातचीत की है, और कांग्रेस का दावा है कि 28 मार्च को बहुमत साबित कर दिया जाएगा, हरीश रावत बहुमत साबित कर देंगे। तो आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने उत्तराखंड के मसले पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और वहां की स्थिति के बारे में जानकारी भी दी। कांग्रेस के बगावती विधायकों ने हरीश रावत सरकार को संकट में डाल दिया है, राजनीतिक उथल पुथल मचाने वाले इन विधायकों और बीजेपी की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नेताओं पर डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड ड्रामे के अहम किरदार विजय बहुगुणा राजनीति के क्षेत्र में विशेष मुकाम हासिल करने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा के पुत्र हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 16 जून 2013 में ठीक तरीके से निपट नहीं पाने पर हाईकमान ने उन्हें बदलने में अपनी बेहतरी समझी। हरक सिंह रावत, रावत सरकार में कृषि और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हरक सिंह रावत पहले यूपी सरकार में बीजेपी के मंत्री रहे हैं। हरक सिंह रावत बीएसपी में भी रह चुके हैं। नारायण दत्त तिवारी सरकार में उन पर जब आरोप लगाए गए तो उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। बाद में कांग्रेस के विपक्ष में आने के बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया।
कुंवर प्रणव चैंपियन, बात बात पर गोली चलाने वाले कुंवर प्रणव चैंपियन कई विवादों में रहे हैं। मगरमच्छ के शिकार से लेकर बाकी खाल की जैकेट पहनने को लेकर ये विवादों में आ चुके हैं। कई सरकारी कार्यक्रमों में गोली चलाकर अपना रोब गालिब करना इनका शगल है। अमृता रावत, सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत रामनगर से विधायक हैं। वे सरकार में बहुगुना मंत्रिमंडल में पर्यटन मंत्री थी। हरीश रावत के सीएम बनते ही रावत ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। तब से सीएम रावत से उनके संबंधों में खटास रही है। उमेश शर्मा काऊ, सहारनपुर से देहरादून आकर पहले झोपड़पट्टियों की राजनीति करने वाले उमेश शर्मा महानगर देहरादून में उपमेयर भी रह चुके हैं। शैला रानी रावत, केदारनाथ क्षेत्र से विधायक शैला रानी रावत आपदा वाला क्षेत्र होने के कारण लोगों की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाने से अगले चुनाव को लेकर खासी परेशान हैं। वे पहले भी अपने क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगा चुकी हैं, लेकिन बाद में वे मुख्यमंत्री के साथ मिल गई थी, अब फिर से बागियों के साथ आ गई हैं। प्रदीप बत्रा, रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा पेशे से व्यापारी हैं और हलवाई का काम करते हैं। रुड़की में वे प्रकाश स्वीट्स के नाम से दुकान चलाते हैं। शैलेंद्र मोहन सिंघल, जसपुर से विधायक और पेशे से डॉक्टर शैलेंद्र मोहन 2012 के चुनाव के बाद सरकार बनाते वक्त नए विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, तब से वे मंत्री या स्पीकर पद के लिए जोर लगाए हुए हैं। सुबोध उन्याल, विजय बहुगुना के राइट हैंड माने जाने वाले सुबोध मंत्री बनने की लालसा रखते हैं। वे भी हरक सिंह की तरह खुद को नियम कानूनों से ऊपर मानते हैं। विजय बहुगुना ने अपने कार्यकाल में उन्हें अपना सलाहकार बनाया था। और उत्तराखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को पूरे हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी नेता अनिल बलूनी का कहना है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं की बात नहीं सुनी, जिसके बाद ये विद्रोह हुआ है। उत्तराखंड प्रकरण पे जो मामला चल रहा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ अनिल बलूनी जी है, हम इनसे बात करेंगे। सर, राहुल जी का कहना है कि सरकार जो है धनबल और बाहुबल से सरकार को गिराना चाहती है उत्तराखंड सरकार। नहीं, वो राहुल जी हर वक्त थोड़ा बहुत गलती करते हैं। वो धनबल और बाहुबल से बचाना चाहते हैं। वो अपने सारे MLAs को लेकर जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर बैठे हैं, उसमें कई लोग जो हैं जो चाहते नहीं हैं, उसके बावजूद वहाँ उनको ज़बरदस्ती बैठाया गया। कुछ MLAs को ज़बरदस्ती बाहुबल के साथ बैठाया गया है। राहुल जी ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सा उनके समझने में फिर है। कांग्रेस के लोग लगातार यही काम कर रहे हैं, उन्होंने कई MLAs को ज़बरदस्ती वहाँ बैठा के रखा हुआ है। सर, कैसे अगर आपकी सरकार बनाने की बात आ रही है तो फिर आप कैसे बहुमत करेंगे? नहीं नहीं, देखिए ये विषय नहीं है। वो लोग अल्पमत में थे, महामहिम राज्यपाल को बताया गया कि अल्पमत में, उसके महामहिम राज्यपाल ने कहा 28 तारीख को बहुमत सिद्ध कीजिए। अभी तो कहानी इतनी है ना, 28 तारीख को बहुमत सिद्ध करना है, सरकार को बहुमत सिद्ध करे सरकार। उनका सीधा आरोप है कि कुछ यहाँ से केंद्रीय पदाधिकारी वहाँ गए और जा करके पूरी तरह से ये ड्रामा रचे हुए हैं बीजेपी के। देखिए भैया, उनके पूर्व मुख्यमंत्री उनके खिलाफ वोट करते हैं, उनके कैबिनेट के सहयोगी उनके खिलाफ बात करते हैं। अब क्या हमारी जिम्मेवारी है कि उनकी सरकार को बचाना? अपनी सरकार को नहीं बचा पा रहे और दूसरों के ऊपर डाला जा रहा है। अपने पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कई राज्य मंत्री उनके साथ उनके खिलाफ सरकार के खिलाफ दे रहे हैं वोट, और उसके बाद जिम्मेदार हमको माना जाता है, अच्छी परंपरा नहीं है जी। तो ये थे अनिल बलूनी साहब, जिनका साफ कहना है कि ये अपनी सरकार के गिराने में, और दरअसल सरकार अगर गिर रही है तो उनकी खुद की जिम्मेदारी है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। मुन्ना राय, A to Z न्यूज़, दिल्ली। आपको बता दें कि CM हरीश रावत ने 22 मार्च से सदन बुलाने की मांग की है। हालांकि राज्यपाल ने उन्हें 28 मार्च को सदन में बहुमत साबित करने की बात कही थी। दूसरी बात यह है कि हरक सिंह रावत ने CM हरीश रावत पर आरोप लगाया है कि वो, उनका जो आवास है वो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है और वो खुद खरीद फरोख्त में शामिल रहते हैं। वहीं हरीश रावत ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया है, बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को 5-5 करोड़ में खरीदा जा रहा है। अनुज जी, क्या कहें, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते होंगे। नहीं देखिए, दूसरी तरफ से तो कोई आरोप है ही नहीं ना, वो तो एक इसमें घिनौने खेल में वो लोग शामिल हो रहे हैं
और विधायकों को भड़का रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, उनको जो है एक लालच देकर प्रलोभन देकर के उनको किसी तरह से भड़काया जा रहा है। कांग्रेस के विधायक आ रहे हैं लालच। आप ये देखिए, आप बिना शर्त के केजरीवाल जी को समर्थन देते हैं, वहां कोई अनैतिक नहीं होता। पहले आपने पीडीपी को समर्थन दे रखा था, हुड्डा जी ने समर्थन ले रखा था, ये परंपरा आप कांग्रेस द्वारा बनाई गई है। इसमें क्या, ये बताइए ना, वो आपने खुद ही बोला है कि बिना शर्त के, बिना समर्थन के आप अपनी हमारी खुद ही तारीफ कर रहे हैं ना कि हमने कई कई ऐसे नहीं किया। लेकिन शर्त तो यहां से आप ही तो जनता पार्टी क्या परंपरा दिखा रही है। मुख्यमंत्री बने से सत्ता के लोभी हो रहे हैं, आप विरोध करके तो मुख्यमंत्री बने भाई साहब। कौन सा विरोध, कांग्रेस के विरोध करके तो केजरीवाल जी नेता बने? नहीं नहीं, भ्रष्टाचार के आपके खिलाफ लड़के हुए हैं। चलिए उत्तराखंड पर आते हैं, हम उत्तराखंड पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या देश के सामने अपनी तस्वीर पेश कर रही है? ये पहले आप अपना घर बचाइए, अपना घर बचाइए, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके नौ विधायक जो है, आपकी आपके अंदर का मसान कर रहे हैं, आपका शीर्ष नेतृत्व विफल हुआ है, भड़काने का आपका शीर्ष नेतृत्व जो है बिल्कुल विफल हो चुका है, ये उसका कारण है। ये बताइए कोई विफल नहीं हुआ, दूसरे घर में भड़का रहे। लेकिन मदन जी, एक सवाल आपसे भी ये बनता है कि क्या जब कांग्रेस में अगर ये विघटन हो रहा है तो बीजेपी क्यों इंटरेस्ट ले रही है उनके विधायकों को लेकर के राष्ट्रपति के यहाँ रोटियां सेकने में लग गए हैं? उसमें पूरी लगता है चुनावी राजनीति से आप ये देखिए, कोई हमारे को समर्थन देने के लिए आ रहा है और एक वोट से इनकी सरकार बनी थी उस समय, अभी जो है नौ विधायक आ रहे हैं, उसके अलावा ना जिम कॉर्बेट के अंदर जो विधायक बचा रखे हैं वो उनमें से भी काफी लोग आने वाले हैं। हाँ, तो इसमें हमें परहेज क्या है? हमें जो है सरकार बनाए हुए क्या परहेज है? अनुज जी, कांग्रेस को अपने विधायकों को एक जगह ले जाकर के इकट्ठा करने की क्या जरूरत पड़ गई? वहाँ बाहुबल नहीं होता जी, वहाँ बाहुबल नहीं होता, कोई बाहुबल नहीं है। आप अपनी पार्टी के विधायकों को इकट्ठे, यही आप बाहुबल, गुड़गांव के अंदर नौ विधायक रुके हुए हैं, वो अनैतिक होता है। बिल्कुल अनैतिक, आप खुद बताइए ना, आप अपनी पार्टी के विधायकों को एक जगह, आपके विधायकों ने, नौ विधायकों ने घोषित किया हुआ है, अपनी पार्टी के विधायकों के साथ वो होती है, पार्टी के विधायकों को लालच देके जंगल में ले आके बैठा रखा है आपने उन्हें, जंगल में कोई नहीं बैठा रखा, आपने जंगल में ले आके बैठा रखा है। जिम कॉर्बेट पार्क जो है भाई साहब, कोई होटल नहीं है, वो होटल क्या नहीं, आप जाके देख लीजिए तो आपका मालूम होगा वहाँ पे। लेकिन सरकार का वहाँ पे पड़ गई बना हुआ है, वहाँ पर जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत बिस्तर पड़ गई, जिस तौर पर जिस तरह की घिनौनी हरकतें उतरे हुए हैं लोग, और पार्टी के विधायकों को इस समय एकजुट रखने का वो समय है। पार्टी के विधायक आपके पास आए क्या? कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं? हमें किसी को विधायक को जरूरत नहीं है तो जिम कॉर्बेट पार्क क्यों लेके जा रहे हो? आप ये बताइए, दूसरे की जो है सरकार पार्टी में कोई तोड़फोड़ करने का हमारी पार्टी को कोई शौक नहीं है, हमें कोई सत्ता का लालच नहीं है। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता लोलुप हुई पड़ी है, हर राज्य में इनको किसी ना किसी तरीके से। आप अपना इतिहास बता दीजिए जी, मदन जी, अभी अरुणाचल प्रदेश में देखिए उन्होंने क्या बनाई या नहीं बनाई, हमने हमने आप, ये इस बात आप अभी उठा के देखिए, वर्तमान स्थिति में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं देश की जनता को? कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा तोड़फोड़ की सरकार बनाई है। अरुणाचल प्रदेश में आपने क्या हल किया? आप अभी उत्तराखंड में क्या हल करना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी कौन सा चेहरा सब जो है उसका, अनुज जी कांग्रेस ने भी सारी कांग्रेस का नेतृत्व है, कोई कांग्रेस की लिस्ट के साथ इतने सारे भ्रष्टाचार है। अभी 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 हाल के सालों में बता दीजिए, मोदी सरकार की, मोदी सरकार की हाल के सालों में बता दीजिए कौन से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ 15 साल से जो हमारे प्रस्ताव पेंडिंग पड़े हुए थे, अब वो पास होने लगे हैं, पूरी दुनिया सराहना करने लगी है मोदी सरकार, सराहना हो रही है मोदी सरकार की, ये देश बताएगा। इसीलिए कांग्रेस के सभी कौन सा इन्होंने अभी डूबते हुए जहाज से जितनी भी सवारियां सब निकल के भाग रही हैं। डूबता हुआ जहाज कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, जिनको अपनी हार स्पष्ट रूप से सरकार तो आपकी बिहार में दिख गई, आगे कहीं की सरकार बनने नहीं जा रही है, गया है विधानसभा चुनाव के उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने साल में आप उत्तराखंड सरकार के संकट पर आप दोनों नेता हमारे साथ शामिल हुए। अनुज जी आपका भी बहुत शुक्रिया और मदन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल अब भी यही है कि क्या वास्तव में कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी उत्तराखंड में? क्या हरीश रावत अपना ओहदा बचा पाएंगे या फिर के बीजेपी के साथ जो कांग्रेस से बागी हुए हैं वो मिलकर के एक बार नई सरकार का गठन करेंगे? फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।